Now, today we are going to take the class of anatomy. Now, the chapter is what? Permanent tissue. Kal tak, jo pichle class tak hum log padhe, wo tha meristematic tissue. Aur ab hum log tissue ki baat kar rahe hain, permanent tissue. Ye jo pehla chapter hai, ye bahut important hai. Meristematic tissue, permanent tissue, pure anatomy ka base concept hum yahan pe aapko de rahe hain. To bachcho, sabse important point ye hai ki hum puri cheezon ko samjhein. और जब तक हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, रट के बॉटनी का पोर्शन हम नहीं कर पाएंगे. और रटने वाली जो तरीका होता है, रटने का जो तरीका होता है कि लोग रट गए और क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इसमें हमेशा गलती होने की संभावना रहती है. तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से एक एक चीज़ें समझा पाऊँ और इतने अच्छे से समझा पाऊँ कि जब क्वेश्चन आप देखें तो आपको मज़ा आ जाए कि अरे वाह, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ. मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होने लगे. तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, दो तरह के टिश्यू की बात हम लोग कर रहे थे. जब हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो पहला प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज दिस परमानेंट टिश्यू. तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ परमानेंट टिश्यू, यू मस्ट थिंक दैट दिस इज द टिश्यू विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव हुआ? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टमेटिक टिश्यू. ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही डिराइव हुआ. जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू था वही धीरे धीरे पावर ऑफ डिवीजन को लॉस करना शुरू किया और एक्चुअली में वो डिफरेंशिएट कर रहा था, एक स्पेशल बॉडी का पार्ट बना रहा था प्लांट का. स्पेशल बॉडी के पार्ट को हम लोग प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन. क्या कहते हैं हम लोग इसको? डिफरेंशिएशन. तो हम लोग ये कहेंगे कि ये बॉडी में डिफरेंशिएट कर रहा था, बॉडी का पार्ट बना रहा था. कैसे? बाय लॉसिंग द एबिलिटी टू डिवाइड. पहले तो ये अपने उस प्रॉपर्टी को लॉस कर रहा था और फाइनली अलग अलग काम के लिए, फंक्शन के लिए ये अलग अलग पार्ट बना दिया. तो हम लोग क्या देखे, परमानेंट टिश्यू कैसे बना? तो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ बाय लॉसिंग द एबिलिटी टू डिवाइड. और फिर वो क्या काम किया, तो हम लोग कहते हैं वो शुरू का जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू था वही डिफरेंशिएट किया है और बनाया परमानेंट टिश्यू. स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड. अब ये एक खास काम के लिए ऐसा किया, स्पेशल वर्किंग के लिए. तो सेल से टिश्यू बनता हमको पता है, टिश्यू से डिफरेंट ऑर्गन बनता है ये भी हमको पता है. तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बन रहा था प्लांट का, वो बाय दिस एबिलिटी, बाय द एबिलिटी टू लॉस, ये एबिलिटी डेवलप किया था, लॉस कर रहा था अपने इस कैपेसिटी को, जिसको हम लोग डिवाइडिंग कैपेसिटी कहते थे. और फाइनली एक फाइनल स्ट्रक्चर बना रहा था, कोई ना कोई ऑर्गन बना रहा था, लेकिन किसी ना किसी स्पेशल काम के लिए. तो हम लोग कहते हैं फंक्शनली किसी ना किसी काम को करने के लिए वो स्पेशलाइज्ड हो गया. और फाइनली दे आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ये कैसे बना, तो हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन करके बना. हम लोग दो बात कहते हैं, पहले कहते हैं सेल डिवाइड. जब एक सेल डिवाइड करता है तो हम लोग इसको कहते हैं सेल ग्रोथ. क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेल ग्रोथ. डिवीजन हो रहा होगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा होगा, इस नंबर ऑफ सेल्स को एकोमोडेट करने के लिए सेल की, प्लांट की लंबाई बढ़ रही होगी और इस लेंथ को हम लोग कहें प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट. लेकिन जब नंबर बढ़ रहा था तो उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था किसी ना किसी ऑर्गेन को बनाना. समझे क्या पर्पस था उसका? इसका पर्पस था किसी ना किसी ऑर्गेन को बनाना, मतलब वो अब स्पेशलाइज्ड हो रहा था किसी ना किसी खास काम के लिए और स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन बनाना शुरू कर दिया. और जो ही ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन बनाया, ये अपनी उस एबिलिटी को क्या किया? लॉस कर दिया. तो हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन. ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेडिकल का बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है. लॉस्ट जब कहते हैं, हम लोग ये स्टेटमेंट कल लास्ट क्लास में भी बताए थे कि ये नहीं कहेंगे कि डज नॉट कंटेन पावर ऑफ डिवीजन, बल्कि ये कहेंगे इट हैज लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन. क्योंकि ये किससे डिराइव हो रहा है? एक परमानेंट टिश्यू मेरिस्टमेटिक टिश्यू से डिराइव हो रहा है और वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो कभी ना कभी एक्टिव था. हम लोग इसको एक कंपेयर किए थे. कैसे कंपेयर किए थे? मेरिस्टमेटिक टिश्यू को एक बच्चे से कंपेयर किए थे और परमानेंट टिश्यू को हम लोग एक उनके दादाजी से कंपेयर किए थे.
और क्या कहे थे, मिरिस्टमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट इंटू परमानेंट टिश्यू, बच्चे कभी ना कभी दादाजी बनेंगे। तो ये हम लोग कहते थे द फ्यूचर ऑफ मिरिस्टमेटिक टिश्यू इज टू कन्वर्ट इंटू परमानेंट टिश्यू, ये इसका फ्यूचर है। तो पास्ट इसका कौन हो गया, द पास्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू इज मेरिस्टेम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अब हम लोग इसको पढ़ने के कन्वीनियंट के लिए हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहले कैटेगरी का नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे कैटेगरी का नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और तीसरे कैटेगरी को हम लोग कहते हैं स्पेशल फंक्शन के लिए कुछ टिश्यू कभी कभी कुछ ना कुछ चीजों का सिक्रीशन करता है। जब ये सिक्रीशन कर रहा होता है हम लोग इसको कहते हैं सिक्रेटरी और स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू, क्योंकि एक स्पेशल फंक्शन के लिए अब ये काम कर रहा था। तो तीन बातें बताई गई, पहला परमानेंट टिश्यू मे बी सिंपल टाइप, सिंपल टाइप के अब हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स, सारे सेल इसके कैसे होंगे, एक से होंगे, हम लोग क्या कहेंगे दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर सेल। When we will talk of complex, तो बोलेंगे they are made up of dissimilar cell. ये दोनों में खास बातें ये हो गई कि simple tissue में जितने भी cells होंगे सब एक से होंगे, हम लोग कहते हैं homo, मतलब same genus, homogeneous cells are there. किसके केस में बताया हम लोग, simple tissue के केस में। अब हम लोग simple tissue को फिर तीन category में divide करेंगे, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स में आएंगे और तब हम लोग स्पेशल टिश्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंपल, किस पे, सिंपल परमानेंट टिश्यू पे। जो ही हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पे आए हम लोग क्या करेंगे, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उस पार्ट का नाम पहले याद रखो, फिर हम लोग इसको बोर्ड वर्क करते हैं। पेरेन्काइमा, क्या नाम बोले बच्चों, पेरेन्काइमा। दूसरा नाम है कोलेनकाइमा, फिर रिपीट करो बच्चों, कोलेनकाइमा। और तीसरा नाम है स्क्लेरेनकाइमा। तो नाम क्या क्या रखे हम लोग, पहला नाम रखे पेरेन्काइमा, दूसरा नाम रखे क्लो हम लोग ये तीन नाम लिखे। सिंपल पेरेन, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा पार्ट है ये, रिपीट करो, पेरेन्काइमा नाम याद रखना है बिल्कुल, दूसरा नाम क्या बताया हम लोग कोलेनकाइमा, और तीसरा नाम क्या बताया स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों की प्रॉपर्टी पे मेडिकल में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इन तीनों की प्रॉपर्टी को हम लोग को डिस्कस करना है, ये देखना है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, और पेरेन्काइमा या कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा किस तरह का टिश्यू है, एक प्लांट में कहाँ अवेलेबल होगा, किस तरह का काम करेगा। तो अब हमारा जो पार्ट होगा वो होगा परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हम लोग सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो बच्चों एक बार रिपीट करो, कौन कौन सी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ परमानेंट टिश्यू यू मस्ट थिंक ऑफ थ्री टाइप, कौन कौन सा टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिनके सारे सेल्स एक से होंगे, जैसे भी होंगे सब एक से होंगे। दूसरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिनमें सेल्स डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट शेप के होंगे, लेकिन मिलके एक ही काम करेंगे। और स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू, हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू के बारे में क्या बताएंगे, ये कुछ ना कुछ नेचर में सिक्रेशन करेगा, सिक्रेटरी होगा, तो इसलिए इसका नाम रखे सिक्रेटरी टिश्यू। तो ये तीन टर्म बहुत क्लियर हो गया। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सा, एक पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे दो चीजों के बीच में कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा को बिल्कुल आसपास रखेंगे, ताकि इनके बीच में अगर कोई क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन पूछता हो तो इसको, इस पे कोई भी गलती हमसे ना हो। क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है, जब हम लोग 11th या 12th में पढ़ रहे होते हैं तो पहला टारगेट होता है कि हम मेडिकल में क्वालिफाई करें।
मेडिकल में क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हम पढ़ें और क्या ना पढ़ें। जब हम लोग ना पढ़ें की बात कर रहे हैं तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि क्या हमारे सिलेबस में नहीं है। बहुत सी किताबों में बहुत से सिलेबस के बाहर की चीज़ें दी हुई हैं, है ना। तो इस पर कोई हमारा कमेंट्स नहीं है, है ना। लेकिन जो पढ़ना है वो स्पेसिफिक पढ़ना है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आते हैं, और सिलेबस जो है वो NCERT की किताब को माना गया है। तो NCERT की किताब में जितना कंटेंट है, कंटेंट अपने आप में काफ़ी नहीं है, उस कंटेंट से थोड़ा हमारा एक्सटेंशन चाहिए, हमको पढ़ने के लिए थोड़ा और एक्सटेंशन चाहिए। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्रेन्काइमा के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पेरेन्काइमा के बारे में। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पेरेन्काइमा की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि व्हाट इज पेरेन्काइमा। तो हम लोग को ये मालूम हो गया कि पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है। जब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किए, है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला जो पार्ट है वो है पेरेन्काइमा। लेकिन जब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे थे तो एक बात तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए कि इस ग्रुप में सिंपल परमानेंट टिश्यू की जब बात करेंगे, जितने भी सेल्स होंगे जो मिलके टिश्यू बनाएंगे वो सभी सिमिलर होंगे। तो ये पहला मेडिकल का क्वेश्चन, दे ऑल आर कैसे सिमिलर हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों ही तरह से ये कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका सबसे पहला कैरेक्टर होगा ये, इसके सारे सेल एक से होंगे, ऑल द सेल्स आर अलाइक। तो जो जो हम लोग घेर रहे हैं ना, ये मेडिकल में आया हुआ टर्म सब है। तो परमानेंट पेरेन्काइमा की बात करने लगा, शुरू किए तो बताएं लिविंग, ये भी क्वेश्चन आया है, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा और स्क्रेन्काइमा तीन हमको सिंपल परमानेंट टिश्यू मिल रहा है, इनमें से दो लिविंग है और एक डेड टिश्यू का बना हुआ है। कौन कौन सा लिविंग है, तो सबसे पहले चलो पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स है, इसको फिर से हम लोग घेर रहे हैं, ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन मेडिकल का, पेरेन्काइमा कैसा होगा, इट इज लिविंग सेल्स, डू नॉट लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म। क्यों लिविंग है, क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे दिमाग में, क्यों लिविंग है, क्यों, क्योंकि इसने अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस नहीं किया है। कोई भी सेल जब डेड होता है, तो जब हम लोग डेड शब्द कहते हैं इसका मतलब वो कभी ना कभी क्या था, लिविंग था, और लिविंग था इसका मतलब उसके पास कभी ना कभी प्रोटोप्लाज्म था, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बेसिस ऑफ लाइफ मानते हैं। तो जब हम लोग प्रोटोप्लाज्म को बेसिस ऑफ लाइफ मानते हैं, इसका मतलब एक लिविंग सेल्स में क्लियर कट प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, और अगर वो प्रोटोप्लाज्म को लॉस करेगा, खो देगा, तभी वो डेड टिश्यू में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग क्या जानेंगे, जब इसको कह रहे हैं कि ये लिविंग सेल है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या मतलब हो गया, ये लिविंग है, इसका मतलब हो गया ये अभी अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस नहीं किया है, इसीलिए ये लिविंग है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग आते हैं पूरे प्लांट पे ढूंढना शुरू करते हैं, कहां पे पेरेन्काइमा मिलेगा। तो क्या कहेंगे, मेजर बल्क ऑफ द मेजर बल्क, प्लांट का मेजर पोर्शन, ज्यादातर पोर्शन किसका बना हुआ है, पेरेन्काइमा का बना हुआ है। ये स्टेटमेंट जिसको घेर रहे हैं, ये देखो ये भी लाइन आया हुआ है, मेजर बल्क ऑफ द प्लांट इज पेरेन्काइमेटस इन नेचर। पेरेन्काइमा को हम लोग अब कहने लगे पेरेन्काइमेटस, क्या कहने लगे, पेरेन्काइमेटस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो पेरेन्काइमा के बारे में क्या क्या जाने, पहला देखे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है। जो ही हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात किए, तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, और वो बात ये है कि इसके जितने सेल्स होंगे सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन होंगे, सारे सेल एक से होंगे। इसका मतलब ऑल सेल्स आर अलाइक, एक टर्म हम लोग कहीं पर लिखे हैं और इस टर्म को हमको घेरना है, ऑल सेल्स आर अलाइक, है ना, सारे सेल एक से हैं। ये जो टर्म हम लोग घेर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ऑल सेल्स आर अलाइक पहला, फिर हम लोग क्या बोले, मेजर बल्क, मेजर बल्क कैसा है, पेरेन्काइमा प्लांट के बॉडी का मेजर पोर्शन कंटेन कर रहा है और सारे सॉफ्टर पोर्शन पे मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है, ये सारे सॉफ्टर पोर्शन पे मिल रहा है। फिर हम लोग आते हैं
इसको देखना शुरू करते हैं कैसा शेप होगा, तो कहेंगे ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, और राउंडेड भी हो सकता है, या पॉलीगोनल भी हो सकता है। लेकिन जैसा भी होगा, सभी कैसा होगा, एक सा होगा। और हम लोग एक टर्म यहां पे यूज किए, ये डायग्राम बनाए और देखो ध्यान से इस डायग्राम में क्या बना रहे हैं। ये सभी एक सा है, मतलब जैसा भी है ये चारों बनाए, चारों राउंडेड बना दिए, गोल बना दिए, तो सभी कैसा होगा, एक सा होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आइसो, मतलब इक्वल, डायमीटर मतलब डायमीटर वाइज। अब हम लोग इसको मेजर करते हैं, यहां पे ये जितना मोटा है यहां भी उतना ही मोटा है, यहां जितना मोटा है यहां भी इतना ही मोटा, मतलब पूरे सेल में डायमीटर वाइज किसी भी जगह पे उसके डायमीटर के थिकनेस को चेक करेंगे तो ये कैसा होगा, ये इक्वल होगा। इसको समझने के लिए अब मम्मी की चूड़ियों को देखो, है ना, वो चूड़ियों में तुम डायमीटर को चेक करो, चारों तरफ ये इक्वल डायमीटर का है। तो जब मम्मी यहां चूड़ी पहने तो बोल देना, मम्मी ये पेरेन्काइमेटस सेल्स पहन रही हो। क्या बोलोगे, मम्मी ये पेरेन्काइमेटस सेल्स पहन रही हो। और फिर अपने बॉटनी का ज्ञान बता रहा कि सी दिस इज आइसोडायमेट्रिकल, और महेश सर ने पढ़ाया था कि पेरेन्काइमा कैसा होता है, चूड़ियों की तरह आइसोडायमेट्रिकल होता है। लेकिन फिर दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, शेप इसका डिफर कर सकता है। सारे सेल स्फेरिकल हो सकते हैं, सारे सेल ओवल हो सकते हैं, सारे सेल राउंडेड हो सकते हैं, और सारे सेल पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। मीनिंग बाय, जैसा भी होगा सभी सेल एक सा होगा। क्या कहोगे बेटा, जैसा भी होगा सभी सेल एक सा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब चलते हैं पेरेन्काइमा के वाल को देखना शुरू किए। वाल इसका थिन होगा, बहुत ज्यादा थिक कभी नहीं हो सकता है। वॉल कैसा होगा, थिन होगा, पतला होगा। और नॉर्मली प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। हम लोग यहां भी कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बिल्कुल क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को घेरते जा रहे हैं। वॉल कैसा होगा, थिन वॉल्ड होगा। नेचर में कैसा होगा, आइसोडायमेट्रिकल। आइसोडायमेट्रिकल का अभी भी मतलब समझा है, कहां मिलेगा, मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट, है ना, प्लांट का मेजर पोर्शन। और हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं, सॉफ्टर पोर्शन ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो भी सॉफ्टर पोर्शन है इन सभी जगह पे कौन मिलने जा रहा है, इन सभी जगह पे पेरेन्काइमेटस टिश्यू मिलता है। और इसीलिए ये सभी जगह पे मिलता है, रूट के सॉफ्टर पोर्शन पे भी मिलेगा, स्टेम के सॉफ्टर पोर्शन पे भी मिलेगा, लीफ के सॉफ्टर पोर्शन पे भी मिलेगा, फ्रूट के सॉफ्टर पोर्शन पे भी मिलेगा। इसीलिए हमने ये टर्म यूज किया, यूनिवर्सल टिश्यू, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑल एरिया ऑफ द प्लांट, दैट्स वाई वी कॉल इट यूनिवर्सल टिश्यू। यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी जगह। तो एक प्लांट के बॉडी के सारे पार्ट में अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सल टिश्यू। और फाइनली ये कैसे अरेंज है, तो क्लोजली पैक्ड है और स्मॉल स्पेस कभी कभी दिख सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज होता है कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं दिख रहा होता है। तो जब स्पेस नहीं दिखेगा दो सेल के बीच में तो टर्म यूज करेंगे देर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये दो सेल के बीच के स्पेस का नाम रखते हैं इंटर, मतलब बीच में, सेल के बीच में सेलुलर स्पेस। तो टर्म क्या ही हो गया, इंटर सेलुलर स्पेस। क्या कहेंगे, मिलेगा तो कहते हैं यूजुअली नॉट प्रेजेंट, मतलब इसका जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि स्पेस नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी स्मॉल स्पेस में भी प्रेजेंट। कभी कभी क्या होगा, थोड़ा बहुत स्पेस मिल भी सकता है, लेकिन यूजुअल कोर्स में क्या होता है, देर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस। और अगर स्पेस मिलता भी है तो हम लोग क्या कहेंगे, वेरी स्मॉल स्पेस इज प्रेजेंट। तो हम लोग पेरेन्काइमा के कैरेक्टर को देख रहे थे। तो फाइनली एक बार फिर से समअप करो, क्या क्या हम लोग डिस्कस किए। हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस किए, दे आर लिविंग सेल। क्यों लिविंग, तुमसे पूछे क्या आंसर दोगे, तो तुम लोग क्या कहोगे, बिकॉज इट हैज नॉट लॉस्ट, ये किन चीजों को लॉस नहीं किया,
प्रोटोप्लाज्म को लॉस नहीं किया, इसीलिए लिविंग है। फिर हम लोग पूछेंगे कैसा है देखने में, क्या आंसर दोगे, ऑल आर अलाइक, सब देखने में एक सा है। गोल है तो सभी गोल है, राउंडेड ओवल पॉलीगोनल, अगर पॉलीगोनल है तो सभी सेल इसका पॉलीगोनल है, अगर राउंडेड है तो सभी राउंडेड है, मीनिंग बाय जैसा भी है सब एक सा है। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी क्या बताए, देखने में कैसा है तो मम्मी की चूड़ियों के समान है, मीनिंग बाय आइसोडायमेट्रिकल इन नेचर। कैसा होगा ये, आइसोडायमेट्रिकल, आइसो मतलब इक्वल, डायमीटर वाइज ये चारों तरफ बिल्कुल एक सा है। और फिर हम लोग तो उस पॉइंट पे आए, वॉल कैसा होगा, तो हम लोग क्या कहे, थीन वॉल्ड है, वॉल इसका पतला है और किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। जब अरेंजमेंट की बात किए तो क्या कहे, देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस, कोई इंटर सेलुलर स्पेस इसके बीच में नहीं है, और अगर कोई स्पेस है भी तो बहुत थोड़ा सा स्पेस है। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, ये तो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस किए, अब हम लोग देख रहे हैं इसके फंक्शंस को। ये मेडिकल का ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, तो तुम्हारा आंसर होगा मेन फंक्शन, जैसे ही क्वेश्चन में पूछा मेन फंक्शन, तुम्हारा आंसर होगा स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, किस चीज को स्टोर करना, फूड मटेरियल को स्टोर करना। और फूड मटेरियल में कॉमन फूड, एक प्लांट क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करेगा, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट, अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ऑयल्स और फैट्स भी इसी में डिपॉजिट होगा। तो हम लोग क्या डिस्कस किए, पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन पूछा। लेकिन क्वेश्चन देखो, यहां पे डेविएशन भी आ सकता है क्वेश्चन में, अगर पूछ दिया व्हाट आर द फंक्शन, या ये नहीं पूछा कि व्हाट आर द मेन, व्हाट इज द मेन फंक्शन, पूछा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, तो मेरे पास बहुत सा ऑप्शन खुल जाएगा, देखते जाओ कैसे। कभी कभी पेरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करता है, ज्यों ही ये क्लोरोफिल को कंटेन करेगा, यहां पे टर्म लिखे क्लोरेन, क्लोरोफिल से मिलता जुलता ये टर्म है, क्लोरोफिल से ये वर्ड आ गया क्लोरेन काइमा, पेरेन्काइमा का काइमा और क्लोरोफिल से क्लोरो, तो टर्म क्या हो गया, क्लोरेन काइमा। इसका मतलब अगर हम कहीं पे क्लोरेन काइमा लिखा हुआ देखें तो समझ जाएंगे इट इज पेरेन्काइमा, क्या है ये, पेरेन्काइमा ही है। लेकिन कैसा, क्लोरोफिल कंटेनिंग पेरेन्काइमा, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पेरेन्काइमा को हम लोग क्या नाम दे दिए, क्लोरेन्काइमा। अब तुम्ही लोग बताओ इसका फंक्शन क्या होगा, हम लोग जानते हैं जहां पे क्लोरोफिल मिलेगा उसका एक ही काम होता है, और वो काम क्या है बच्चों, वो काम है फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड, ये आंसर सबको पता है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्या कर रहा है ये, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मीनिंग बाय इट इज मैन्युफैक्चरिंग इट्स ओन फूड, ये अपने खाने को खुद बना रहा है। तो अब हम लोग देखो कैसे डेविएशन देख रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा की जब बात किए तो टर्म क्या यूज किए, नॉर्मल फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डेविएशन, जब हम लोग इसमें डेविएशन की बात कर रहे हैं, पेरेन्काइमा और क्या क्या कर सकता है इसकी बात सोच रहे हैं, तो हमको मिला एक ऐसा पेरेन्काइमा जो ग्रीन इन कलर था। क्यों ग्रीन होगा बताओ तुम्ही लोग, ग्रीन इसलिए होगा क्योंकि इस पेरेन्काइमा में क्या मिल रहा होगा, इस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल का कंटेंट मिल रहा होगा, और क्लोरोफिल के कंटेंट मिलने के चलते इस पेरेन्काइमा के नाम में भी हम लोग चेंजेस लाए, और क्लोरोफिल वर्ड से क्लोरो टर्म को लिए क्लो, और काइमा पेरेन्काइमा वर्ड के काइमा को मिलाए और टर्म बन गया क्लोरेन्काइमा। इसीलिए ज्यो ही हम ये कहें क्लोरेन्काइमा, तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, द फंक्शन ऑफ क्लोरेन्काइमा इज फोटोसिंथेसिस, क्यों बताओ, फिर से बताओ क्यों, क्योंकि नाउ इट कंटेन क्लोरोफिल, अब इसमें क्लोरोफिल मिल रहा है, एंड वेयर एवर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इट हैज ओनली वन फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज व्हाट, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करना, फूड बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। अब हम लोग एक क्वेश्चन ये भी मेडिकल में आया हुआ था, अगर पेरेन्काइमा नॉर्मली हम लोग क्या डिस्कस किए, कैसा होता है, हम लोग कहे राउंडेड ओवल पॉलीगोनल स्फेरिकल, लेकिन कभी कभी ये पॉइंटेड और इलॉन्गेटेड हो जाता है, अब इसका नाम बदल देते हैं, स्ट्रक्चरली चेंज हो गया तो नाम भी क्या कर दिए, बदल दिए, अब इसका नाम हो गया प्रोजेन्काइमा, क्या नाम हो गया इसका, प्रोजेन्काइमा। तो ये टर्म देखो कैसे बना,
जब पेरेन्काइमा, नॉर्मल पेरेन्काइमा कैसा होगा, यहां पे हम लोग स्ट्रक्चर लिखे थे, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंडेड हो सकता है और पॉलीगोनल भी हो सकता है। लेकिन जैसा भी होगा, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जैसा भी होगा ऑल आर अलाइक, सभी एक सा होगा। फिर हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कभी कभी पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कुछ चेंज शो कर सकता है, जैसे ये थोड़ा सा लंबा हो गया और एंड्स जो था वो पॉइंटेड हो गया। जो ही ये पॉइंटेड हो गया और लॉन्ग हो गया, हम लोग इसके लिए टर्म यूज किए प्रोजेन्काइमा। तो ये प्रोजेन्काइमा के बारे में जान गए। अब हम लोग फिर एक और डेविएशन देख रहे हैं, कभी कभी कुछ कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर में एयर की कैविटी आ जाती है। एयर कैविटी आ जाने से ये बहुत हल्का हो जाता होगा, तो एरेन्काइमा। अब एयर की कैविटी कंटेन करने के चलते इसका नाम रखे एरेन, एयर वर्ड से ये टर्म आया और काइमा टर्म आ गया किससे, पेरेन्काइमा के काइमा से। तो पेरेन्काइमा व्हेन कंटेन एयर कैविटी, जब इसमें एयर चेंबर मिल रहा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, नाम इसका फिर चेंज हो गया, फंक्शन भी यहां पे चेंज हो गया, नाम अब हो गया एरेन्काइमा। जब हम लोग एरेन्काइमा की बात कर रहे हैं तो तुमको फंक्शन मालूम हो गया। पानी वाले एक्वेटिक प्लांट्स में प्लांट इसलिए फ्लोट कर पाता है क्योंकि वो बोयंट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, एक बेलून ले लो और उसमें हवा भर के पानी में डाल दो, क्या वो डूब रहा है, नहीं, वो इसलिए फ्लोट कर रहा है क्योंकि इट कंटेन्स एयर। तो जब बेलून फुलाओ, बर्थडे मनाओ, तो क्या बोलोगे, दिस इज एरेन्काइमा, मतलब एक सेल जिसके अंदर एयर है। तो बर्थडे जैसे मनाओगे, बॉटनी की कौन सी बात याद करोगे कि बर्थडे में बेलून को फुलाना, ये बेलून क्या हो गया, एरेन्काइमा। और बाकी अपने दोस्तों को बॉटनी पढ़ा दोगे, क्या बोलोगे, दिस कंटेन एयर कैविटी एंड व्हेन पेरेन्काइमा कंटेन एयर कैविटी, हम लोग क्या नाम देखते हैं इसका, हम लोग अब इसका नाम दे देते हैं एरेन्काइमा। और नेचुरली उस बेलून को फुला के टाई कर दिए और पानी में डाल दिए, डूब गया ना, नहीं, बेलून पानी में नहीं डूबा, क्या हुआ, ये पानी में फ्लोट कर रहा था, क्यों, क्योंकि इसमें कैविटी थी, इसमें क्या थी, एयर कैविटी थी, ये एयर को कंटेन कर रहा था और बोयंट हो गया था। इसीलिए व्हेन एरेन्काइमा कंटेन एयर चेंबर वी कॉल इट, व्हेन पेरेन्काइमा कंटेन एयर चेंबर वी कॉल इट एरेन्काइमा। और ये कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट को हम लोग प्लस वी लिख दिए, इन हाइड्रोफाइट। हम लोग पिछले क्लास में बताए थे हाइड्रोफाइट का मतलब ऐसा प्लांट जो पानी में ग्रो करता हो, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। एक और टर्म है और इस टर्म का हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको, इसको कहते हैं इडियोब्लास्ट। ये भी पेरेन्काइमा का एक फॉर्म है, एक ऐसा फॉर्म जिसमें ऑयल का डिपोजिशन हो सकता है। कई बार प्लांट अपनी एक्टिविटी के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को बनाता है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे हम लोगों में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, स्वेटिंग हो रही है, पसीना निकल रहा, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक उसी तरह से प्लांट में भी कई प्रोडक्ट बनता रहता है। तो कभी कभी पेरेन्काइमा ऑयल्स, टैनिन्स और क्रिस्टल्स का डिपोजिशन कर लेता है अपने बॉडी के अंदर में। किन चीजों का डिपोजिशन करता है, अपने बॉडी के अंदर में ये ऑयल्स का, टैनिन का और क्रिस्टल का डिपोजिशन कर लेता है। जब कभी ऐसा होता है, हम फिर उस पेरेन्काइमा का नाम बदल देते हैं और क्या कहते हैं इसको, इडियट। क्या बोलते हैं, तुमने अपना काम बदला, क्या टर्म यूज किए, इडियट, मतलब ये इडियट वर्ड नहीं है, ये तरीका है कैसे याद रखेंगे। तो ये टर्म हो गया इडियोब्लास्ट। हम लोग क्या देखे कि जब पेरेन्काइमा कुछ चीजों को, हमने टर्म यूज किया इडियट, इसलिए टर्म यूज किया क्योंकि ये नाम तुमको याद हो जाए, और ये नाम है इडियोब्लास्ट, मतलब इडियोसिटी ब्लास्ट कर गया, मतलब ये क्या कंटेन कर रहा है, ऑयल, टैनिन एंड क्रिस्टल को जब ये कंटेन करता है, हम लोग टर्म यूज करते हैं इडियोब्लास्ट। तो देखो डेविएशन क्या क्या मिला बच्चों। पहला डिविजन मिला, समटाइम्स पेरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल, कभी कभी ये क्लोरोफिल कंटेन कर रहा था, टर्म यूज हो गया क्लोरेन्काइमा। ये टर्म, एक अभी टर्म बताएंगे, कोलेन्काइमा से डिफरेंट है। कोलेन्काइमा को हम लोग जब लिखते हैं तो लिखते हैं COLLEN, कोलेन, और यहां पे टर्म है क्लोरेन, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लोरेन शब्द बना पेरेन्काइमा के लिए,
पेरेन्काइमा जब क्लोरोफिल को कंटेन करता है तब हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं क्लोरेन्काइमा। और अभी हम लोग इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो होगा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में कॉर्नर्स में थिकनिंग दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे हम लोग? कॉर्नर्स में थिकनिंग दिखाना शुरू करेंगे। तो पेरेन्काइमा में पहला पेरेन्काइमा जब ये ग्रीन इन कलर हो गया टर्म यूज हो गया क्लोरेन्काइमा। जब ये लॉन्ग हो गया पॉइंटेड हो गया तब कलम की तरह पेन की तरह नुकीला हो गया तो टर्म यूज किए प्रोजेन्काइमा। जब ये एयर कैविटी को कंटेन करने लगा तब टर्म यूज कर दिए एरेन्काइमा। और जब ये टैनिन ऑयल इन चीजों को डिपॉजिट करने लगा तो टर्म यूज किए इडियोब्लास्ट। तो ये हम लोग डेविएशंस देख रहे थे किसमें, हम लोग डेविएशन किसका देखे, पेरेन्काइमा का।